जी ने यूट्यूब पे सवाल भेजा है। उन्होंने यूट्यूब पे हमारे शो को देख के कमेंट बॉक्स में लिखा, उन्होंने सवाल पूछा है इन्फोसिस के बारे में। 100 शेयर उनके पोर्टफोलियो में है, 1430 रुपये के भाव पे हैं। इसके अलावा टेक महिंद्रा के भी 100 शेयर उनके पोर्टफोलियो में 1114 के भाव पे। वो लंबी अवधि के नज़रिए से जानना चाहते हैं। अविनाश जी, आप ही से ये सवाल होगा, कल तो टेक महिंद्रा के नतीजे भी आने वाले हैं, इन्फोसिस के नतीजों ने निराश किया, उसके बाद हमने देखा कि अब शेयर कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर चुका है। क्या राय होगी लंबी अवधि के नज़रिए से इन्फोसिस और टेक महिंद्रा? देखिए मनीष जी, पहली बात तो इन्फोसिस का शेयर हमको लग रहा है कि जितनी भी नेगेटिविटी होनी थी वो तो अभी हो चुकी है। आने वाले एक दो क्वार्टर्स मार्केट में अनुमान है कि ग्रोथ थोड़ा सा स्लो डाउन होगा, हालांकि इन्होंने 6-7% का ही गाइडेंस दिया है। मेरे ख्याल से देखिए, ऑर्डर बुक अभी तो फिलहाल काफ़ी अच्छी है, लेकिन मार्जिन और ग्रोथ के ऊपर थोड़े से कंसर्न है। तो नज़रिया अगर कम से कम साल 1.5 साल का है तो ये निवेशित रह सकते हैं, ऐसा कोई कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है। बट ओवरऑल इंडस्ट्री अगर स्लो ग्रो होता है तो इन्फोसिस को भी उसका यू नो ऑब्वियसली भुगतना पड़ेगा, और ऑब्वियसली ग्रोथ जाता है तो री-रेटिंग करने के लिए थोड़ा समय लगेगा। टेक महिंद्रा की बात करें तो देखिए, एक अच्छी बात है कि टेक महिंद्रा ज्यादातर 5G के बिजनेस में एक डोमिनेंट प्लेयर है, BFSI में कम काम करता है, तो इनके लिए इतना ज्यादा भारी झटका BFSI से नहीं लगेगा। तो होपफुली अगर नंबर्स अच्छे आते हैं, मैनेजमेंट की कमेंट्री अच्छी आती है, तो आपको एक अच्छा उछाल देखने को मिले। बट यहाँ पे भी नजरिया 12-15 महीने का रखिए, और मुझे लग रहा है कि ये दोनों शेयर्स अच्छे इन्वेस्टमेंट काउंटर्स हैं, लेकिन लंबा समय रखने की कोशिश इन्वेस्टर को करनी चाहिए। तो लंबी अवधि का नजरिया रखिए, 12 से 15 महीने का इन्फोसिस और टेक महिंद्रा होल्ड करने की सलाह अविनाश जी की तरफ से आते हुए। आज का जो अगला सवाल है, उमेश मन्ना जी ने कोलकाता से भेजा, इन्होंने भी यूट्यूब पे